नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लैंग्वेज टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और जो लैंग्वेज टॉपिक है दोस्तों, ये पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। और इसमें एक हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं लैंग्वेज के बारे में। लेकिन उस वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉर्ट में लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे स्टडी किए थे, जो सफिशिएंट नहीं थे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में आप देखोगे तो लैंग्वेज से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक पूछा गया था, जिसमें लैंग्वेज हॉटस्पॉट और इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट जैसे जो शब्द थे उसको मेंशन किया हुआ था। तो जो पिछला हम लोग वीडियो डिस्कस किए थे वो सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए हम लोग एक नया वीडियो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर देखेंगे डिफ्यूज़न ऑफ लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होती है, और कितने मेथड या कितने वे से डिफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज होती है। फिर मेजर जो लैंग्वेज ग्रुप हैं वर्ल्ड का, उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे मेजर लैंग्वेज ग्रुप जो इंडिया के हैं उसको भी स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे लैंग्वेज हॉटस्पॉट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होती है। ये आपको सेम जैसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं, वैसे ही लैंग्वेज हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे वर्ल्ड में जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट है वो मेजर कितने इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट हैं। फिर देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरत है, और रीजन्स क्या क्या हैं विलुप्तिकरण का, लैंग्वेज को जो एक्सटेंशन हो रहा है उसका क्या क्या रीजन्स हैं। फिर मेथड देखेंगे कैसे लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, लैंग्वेज होती क्या है। तो लैंग्वेज दोस्तों एक वे है जो ह्यूमन क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। उसका एक वे है, मेथड है। देखो, ह्यूमन कम्युनिकेट करने के लिए तीन तरीके अपनाती है। पहला ओरल मेथड, और दूसरा इशारों द्वारा नॉन वर्बल मेथड, फिर आप देखोगे रिटेन मेथड। तो लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, ओरल और रिटेन दो तरीके यूज करके मैसेज को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरे जगह, यानी ह्यूमन कम्युनिकेट करता है। उसके लिए लैंग्वेज मस्ट है, लैंग्वेज के बिना ह्यूमन कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो लैंग्वेज एक माध्यम है जो मैसेज कम्युनिकेट करने का। और आप लैंग्वेज देखोगे दोस्तों, लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो 7000 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। और इंडिया में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, 22 शेड्यूल लैंग्वेज को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। 22 के अलावा आप देखोगे तो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज 100 इंडिया में नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है, और 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। इसके अलावा आप देखोगे हज़ारों ऐसे लैंग्वेज हैं इंडिया में जो हज़ारों की संख्या में बोली जाती है, लेकिन जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है यहाँ पे जो बोलने की संख्या है वो लाखों में है। और हज़ारों ऐसे लैंग्वेज हैं छोटे मोटे इंडिया में जिसमें बोलने की संख्या कम है, लेकिन लैंग्वेज आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं पूरे वर्ल्ड में। तो लैंग्वेज दोस्तों एक जगह पे ओरिजिन होती है, और उनका डिफ्यूजन होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज और डायलेक्ट में अंतर क्या है। लैंग्वेज को भाषा बोलते हैं, डायलेक्ट को बोली बोलते हैं। तो इंडिया में जनरली दोस्तों हर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में आप जाओगे तो लैंग्वेज का जो टोन होता है, बोलने का तरीका होता है, या कुछ वर्ड जो रीजनल करेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बोली। तो बोली क्या है, बोली जनरली सेम लैंग्वेज का रीजनल करेक्टरिस्टिक, एक अलग से रीजनल करेक्टरिस्टिक होता है उसको बोली बोलते हैं। जैसे आप यूपी की ही बात करोगे तो यूपी में कानपुर का जो भाषा है, इलाहाबाद की भाषा है, लखनऊ की भाषा है, ये सब आपको अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन भाषा यहाँ पे तो हिंदी ही है, लेकिन बोली अलग अलग है। कानपुर की अलग बोली है, इलाहाबाद की अलग बोली है, लखनऊ की अलग बोली है। तो बोली को डायलेक्ट बोलते हैं। डायलेक्ट में क्या होता है, रीजनल जो करेक्टरिस्टिक होते हैं लैंग्वेज का वो आ जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज और डायलेक्ट में हम लोग अंतर देख लिए। तो दोस्तों जो लैंग्वेज मेजर लैंग्वेज है, अभी हम देखें कि 7000 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेज हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो लैंग्वेज का ओरिजिन है वो एक स्मॉल लोकेशन पे होता है, और बाद में उस लोकेशन से लैंग्वेज क्या होती है, एक डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज मतलब स्प्रेड होती है चारों तरफ।
देखो जैसे एग्जाम्पल तरह आप देखोगे तो यूरोप की जो सारे लैंग्वेज हैं वो आप देखोगे लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुई है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के आप देखोगे ओरिजिन क्या है, तो लैटिन लैंग्वेज के ओरिजिन आप देखोगे तो इटली की एक स्मॉल एक एरिया है, इटली की स्मॉल एरिया है जो इटैलिक ट्राइबल ग्रुप से बनी हुई है, ठीक है, लैटियम लैटियम एरिया, तो लैटियम एरिया में लैटिन लैंग्वेज वहाँ पे ओरिजिन हुआ था, जो इटैलिक ट्राइबल ग्रुप जो थे वो उसको बोलते थे, लेकिन आज देखोगे तो लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारे लैंग्वेज डिराइव हुए हैं, और फिर आप देखोगे पूरा यूरोप या जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सारे में लैटिन लैंग्वेज से ही जो नए वर्जन है, जैसे मान लो जर्मन की लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, पोर्तुगीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज क्या है, लैटिन से ही डिराइव हुई है। तो यहाँ पे देखोगे ओरिजिन आप यदि लैंग्वेज आप देखोगे तो एक स्मॉलर एरिया में ओरिजिन हुआ है, लेकिन डिफ्यूजन के कारण आप देखोगे तो पूरे सब जगह लैंग्वेज का स्प्रेड आपको देखने को मिलता है। तो जैसे हिंदी का ही आप देखोगे तो हिंदी क्या है, हिंदी तो इंडिया में ओरिजिन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में हिंदी बोली जाती है, आप देखोगे नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश इसके अलावा देखोगे फिजी मालदीव सिंगापुर यहाँ भी हिंदी बोला जाता है, क्योंकि हिंदी हिंदी जो है हिंदी का ओरिजिन तो इंडिया में हुआ है, लेकिन डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन का अभी प्रोसेस देखेंगे कितने प्रोसेस से डिफ्यूजन होता है, उसके कारण हिंदी का स्प्रेड हुआ है, वैसे ही बहुत सारे लैंग्वेज का स्प्रेड होता है डिफ्यूजन के डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो देखो एक और कॉन्सेप्ट है कि अभी जो एक लैंग्वेज है हो सकता है फ्यूचर में उससे बहुत सारे लैंग्वेज डिराइव हो जाए, जैसे इंडिया में आप देखोगे तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज मेडिवल टाइम में होता था, लेकिन हिंदुस्तानी लैंग्वेज से हिंदी डिराइव हुई और उर्दू डिराइव हुई, तो अभी जो करंट लैंग्वेज है उससे हो सकता है बहुत सारे लैंग्वेज इन फ्यूचर में डिराइव हो सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि हिंदी अभी हम लोग क्या देखें कि लैंग्वेज होती क्या है, डायलेक्ट क्या होती है, डायलेक्ट एक रीजनल कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज का, और जो लैंग्वेज का ओरिजिन होता है और एक जगह एक किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है, जैसे लैटिन लैंग्वेज का हम लोग देखें, और उसका स्प्रेड होता है और डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा। अब देखते हैं डिफ्यूजन का मेथड कौन कौन से हैं, तो डिफ्यूजन का मेथड आप देखोगे तो तीन जनरली मेथड है किसी भी लैंग्वेज को स्प्रेड होने का। पहला जो मेथड है माइग्रेशन, दूसरा जो मेथड है गवर्नमेंट पॉलिसी, तीसरा है लैंग्वेज शिफ्ट। देखो डिफ्यूजन होता है माइग्रेशन से, जैसे मान लो अभी हिंदी हिंदी भाषी इंडिया में है, ठीक है, तो इंडिया से यदि माइग्रेट करते हैं, जैसे सिंगापुर में गए, फिजी में गए और मालदीव में गए, तो इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ पे गए तो लैंग्वेज कल्चर अपने साथ वहाँ पे ले जाते हैं, तो वहाँ भी हिंदी बोलने वाले की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, उनके जनरेशन होंगे, उनके बच्चे होंगे, पोते होंगे, तो वो भी हिंदी बोलेंगे, और हो सकता है हिंदी अगल बगल वाले भी बोलने लगे अच्छा हो। तो माइग्रेशन से क्या होती है कि लैंग्वेज का डिफ्यूजन होता है, लैंग्वेज का ट्रांसमिशन होता है। फिर दूसरा होती है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी, यदि मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है, तो उससे क्या होगा कि जो स्मॉलर वहाँ पे लैंग्वेज है वो क्या होंगे, वो बाद में धीमे धीमे पर्टिकुलर लैंग्वेज ही बोलने लगेंगे। जैसे मान लो कॉलोनियल टाइम पे जब ब्रिटेन क्या हुआ, ब्रिटेन में इंग्लिश बोली जाती थी, तो इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट किया, तो देखोगे जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वहाँ पर इंग्लिश बोलने की संख्या तादाद बढ़ने लगी, तो इंग्लिश लैंग्वेज का डिफ्यूजन हुआ। आज देखोगे इंडिया या बहुत सारे जो कॉलोनीज थी जैसे साउथ ईस्ट एशियन में इंग्लिश बोलने की तादाद ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी हो सकती है कि लैंग्वेज का डिफ्यूजन हो। फिर देखो लैंग्वेज शिफ्ट, तीसरा जो तरीका है दोस्तों लैंग्वेज शिफ्ट, लैंग्वेज शिफ्ट का मतलब है मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक लैंग्वेज है जो मेजॉरिटी की संख्या में बोली जाती है, दूसरी लैंग्वेज है बहुत ही छोटी माइनॉरिटी की संख्या में बोली जाती है, तो लैंग्वेज शिफ्ट क्या होगा, मेजॉरिटी वाले कि जैसे माइनॉरिटी वाले जो पीपल होंगे वो क्या करेंगे, धीमे धीमे मेजॉरिटी वाले लैंग्वेज ही बोलने लगेंगे, तो ये अपने लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे धीमे धीमे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी वाले संख्या की कम हो जाएगी, यानी कि वो भी मेजॉरिटी वाला संख्या बोलने मेजॉरिटी वाले लैंग्वेज बोलने लगेंगे, तो लैंग्वेज शिफ्ट होता रहता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो लैंग्वेज अभी शिफ्ट हो रहा है, हिंदी से ज़्यादा हिंदी से इंग्लिश की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, या जो रीजनल लैंग्वेज है हिंदी का वो इंग्लिश की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे मेजॉरिटी वाले जो लैंग्वेज बोलने की संख्या इंग्लिश होती जा रही है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं लैंग्वेज शिफ्ट एक मेजॉरिटी वाले लैंग्वेज को अपनाना एक लैंग्वेज शिफ्ट में होता है, और बाद में एक्सटेंशन जो होती है लैंग्वेज की विलुप्तिकरण होती है वो लैंग्वेज शिफ्ट की वजह से होती है, उसको हम लोग डिटेल में आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं।
तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे कि लैंग्वेज का डिफ्यूजन होता है। अब देख ले दोस्तों, वर्ल्ड में जो मेजर लैंग्वेज ग्रुप हैं वो आपको यहाँ पे छः देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज ग्रुप है पहला, आप लैंग्वेज ग्रुप आप देखोगे जैसे यहाँ से इंडो यूरोपियन स्टार्ट करते हैं, तो इंडो यूरोपियन आप देखोगे तो पूरा अमेरिका कंटिनेंट में और यूरोप, रसिया और नदन जो इंडिया है वहाँ से आप देखोगे तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती है। ये पहला ग्रुप है। इसमें आप देखोगे इस ग्रुप ऑफ फैमिली में 450 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेज ग्रुप हैं और सबसे लार्जेस्ट बोलने वाली आप देखोगे पॉपुलेशन इंडो यूरोपियन ही है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडो यूरोपियन में कितने फैमिली हैं, लैंग्वेज फैमिली 450 हैं और एरिया भी इनका बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे इंडो यूरोपियन है। दूसरा ग्रुप आप देखोगे अफ्रो एशियाटिक, ठीक है, ये नदन अफ्रीका और जो साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया सॉरी वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया का थोड़ा सा रीजन है। ये एफ्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली है। इसमें आप देखोगे 400 से ज़्यादा लैंग्वेज इसमें बोले जाते हैं। तो ये एफ्रो एशियाटिक दूसरी ग्रुप ऑफ फैमिली है यहाँ पर। फिर तीसरी आप देखो दोस्तों सिनो टिबेतन, तिब्बतन, ठीक है, सिनो टिबेतन में आप देखोगे कि नदन जो इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फिर यहाँ पे बर्मा के कुछ रीजन और यहाँ पे पूरा चाइना के रीजन, ये जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सिनो टिबेतन लैंग्वेज है। ये आपको अलग ग्रुप है। फिर देखोगे फिर अफ्रीका में दूसरा जो ग्रुप है दोस्तों नाइजर कांगो, ये इसमें देखोगे सबसे लार्जेस्ट जो लैंग्वेज फैमिली है नाइजर कांगो की है। यहाँ 1500 से ज़्यादा लैंग्वेज की जो वैरायटी है वो नाइजर कांगो में देखी जाती है। तो यहाँ पे देखो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी और लैंग्वेज की डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। एक पर्टिकुलर फैमिली में 1500 से ज़्यादा लैंग्वेज फैमिली यहाँ पर है। तो नाइजर कांगो एक यहाँ पर अफ्रीका में बोलने वाली फैमिली है। फिर देखोगे कि एस्ट्रोनेशियन, एस्ट्रोनेशियन आप देखोगे एरिया यहाँ पे तो मेडागास्कर से लेके जो इंडियन ओशियन में बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं और साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, यहाँ पे इंडोनेशिया रीजन और ऑस्ट्रेलिया को ले गए, तो ये सारे जो रीजन हैं यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो एस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज है। इसमें आप देखोगे 1200 से ज़्यादा लैंग्वेज फैमिली है। तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी या लैंग्वेज फैमिली आपको नाइजर कांगो देखने मिलेगी। फिर दूसरा जो फैमिली है ग्रुप ऑफ फैमिली उसमें 1200 से ज़्यादा यानी एस्ट्रो एशियन जो लैंग्वेज फैमिली है वो सबसे दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे जो इंडिया में मुंडा या एस्ट्रोनेशियन थोड़ा सा एरिया देखने को मिलेगा सेंट्रल एरिया में। इंडिया में भी कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे सेम लैंग्वेज बोलती है। फिर देखोगे ट्रांस न्यू गिनिया जो बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल एरिया है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज फैमिली यानी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी आप देखोगे तो 500 से ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पे ट्रांस न्यू गिनिया वाले होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के हिसाब से सबसे जो जेनेटिक डाइवर्स लैंग्वेज फैमिली है नाइजर कांगो है, फिर ऑस्ट्रोनेशियन है, फिर देखोगे बहुत ही स्मॉल एरिया में बोले जाते हैं ट्रांस न्यू गिनिया है, फिर देखोगे सिनो टिबेतन है, फिर इंडो यूरोपियन है और एफ्रो एशियाटिक है। तो ये लैंग्वेज जो फैमिली है सिक्स लैंग्वेज फैमिली पूरे वर्ल्ड में है। और यदि बोलने के हिसाब से आप देखोगे तो इंडो यूरोपियन सबसे लार्जेस्ट संख्या में बोली जाती है, फिर दूसरा लार्जेस्ट है सिनो टिबेतन, ठीक है। तो ये दो आप लार्जेस्ट जो लैंग्वेज फैमिली है बोलने के हिसाब से वो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो सिक्स वर्ल्ड में जो मेजर ग्रुप ऑफ फैमिली है इसको भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली चार ग्रुप लैंग्वेज का ग्रुप देखने को मिलेगा। पहला है टिबेतो बर्मन जो तिब्बत और बर्मन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है। ये देखोगे पहाड़ी एरिया जो हिमालय का जो रीजन है तिब्बत से लगा हुआ और नॉर्थ ईस्ट का रीजन, यहाँ पे तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली बोली जाती है। फिर इंडो आर्यन फैमिली, इंडो आर्यन जो लैंग्वेज फैमिली है जो नदन इंडिया में देखने को मिलेंगे, इसमें आपको हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, मैथिली, मराठी और गुजराती और फिर बंगाली और उड़ीसा, ये सारे लैंग्वेज इंडो आर्यन फैमिली में आते हैं जिसका लिपि देवनागरी लिपि है और संस्कृत जो मेन लैंग्वेज है उससे डिराइव हुआ है इंडो आर्यन यहाँ पे जो लैंग्वेज है। फिर जो दूसरा इंडिया में आप देखोगे इंडो आर्यन के बाद देखोगे तो द्रविड़ियन लैंग्वेज है जो साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। और द्रविड़ियन लैंग्वेज में आप देखोगे तेलुगु लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोली जाती है द्रविड़ियन लैंग्वेज में।
फिर देखोगे चौथी जो है दोस्तों मुंडा या आस्ट्रो फैमिली, जो आस्ट्रो एशियन फैमिली जो देखे थे वो हैं। यहाँ पे बहुत ही स्मॉल एरिया में बोला जाता है, सेंट्रल यहाँ पे उड़ीसा के रीजन में और कर्नाटक के रीजन में, ये एक्सटेंशन की ओर कगार पे है। इस मतलब लैंग्वेज की फैमिली आप देखोगे बहुत ही कम जो पॉपुलेशन है ये बोलते हैं और ये धीमे धीमे विलुप्तिकरण होते जा रहा है। तो इंडिया में आप देखोगे तो चार लैंग्वेज फैमिली है, तिब्बतो बर्मन, इंडो आर्यन, मुंडा और ऑस्ट्रो फैमिली, फिर द्रविड़ियन फैमिली। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है जो दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग इंडिया में देख लिए थे, इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, 100 नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है। नॉन शेड्यूल लैंग्वेज 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन बोले जाते हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में ऐसे लैंग्वेज हैं जो हज़ार यानी 1 लाख से कम बोले जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट दोस्तों लैंग्वेज हॉट स्पॉट का। तो लैंग्वेज हॉटस्पॉट जैसे बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, वैसे लैंग्वेज हॉटस्पॉट होता है। लैंग्वेज हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट जो दिया था दोस्तों डॉक्टर एंडरसन और डेविड हैरिसन ने दिए थे, और इनके हिसाब से 3 क्राइटेरिया होती है लैंग्वेज हॉटस्पॉट होने का। 3 क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है कि वेरी हाई लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बोथ नंबर ऑफ लैंग्वेज फैमिली या जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि कोई भी एरिया जहाँ पे लैंग्वेज हॉटस्पॉट होगा। तो पहला क्राइटेरिया है कि बहुत हाई लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यानी कि जो अभी 6 मेजर ग्रुप हम लोग देखें उसमें भी यहाँ पे डाइवर्सिटी फैमिली में भी होनी चाहिए, और नंबर ऑफ जो लैंग्वेज एक फैमिली में बहुत सारे, जैसे हम लोग देखें कि नाइजर अफ्रीका में नाइजर कांगो वाला जो फैमिली देखे उसमें 1500 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो हाँ बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की, तो एक लैंग्वेज डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए लैंग्वेज की, पहला क्राइटेरिया है। फिर दूसरा क्राइटेरिया है कि एवरेज हाई लेवल ऑफ इंडेंजर्ड होनी चाहिए, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे कि लैंग्वेज इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब है कि बहुत कम वहाँ पे बोलने की संख्या है, बहुत कम का मतलब है कि जो बोलने वाले जो पॉपुलेशन है वो एजेड है, यानी कि बूढ़े लोग सिर्फ बोलते हैं, जो न्यू जनरेशन है उसको बोलना पसंद नहीं करती है, या न्यू जनरेशन वाले दूसरे लैंग्वेज बोलने लगे हैं तो वहाँ पे इंडेंजर्ड होने लगे हैं। यानी ओल्ड यदि पॉपुलेशन यदि उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद नया जनरेशन ऐसा नहीं है कि जो उस लैंग्वेज बोलेगा, तो हाई लेवल ऑफ इंडेंजर्ड यदि होती है तो ये कहेंगे लैंग्वेज हॉटस्पॉट में आएगा। फिर तीसरा क्राइटेरिया है दोस्तों लो लेवल ऑफ प्रायर डॉक्यूमेंटेशन, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसकी प्रायर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। प्रायर डॉक्यूमेंटेशन मतलब वहाँ पे ग्रामर या लिटरेचर या ऐसा कुछ रिटेन फॉर्म में कुछ ऐसा नहीं है जो फिर से उस लैंग्वेज को फिर से उसको जिंदा कर सके। तो 3 जो क्राइटेरिया होती है, यदि 3 क्राइटेरिया किसी भी रीजन में फुलफिल करती है तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज हॉटस्पॉट। पहला क्राइटेरिया क्या है, वेरी हाई लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। दूसरे क्राइटेरिया क्या है, हाई लेवल ऑफ इंडेंजर्ड होनी चाहिए। तीसरे क्राइटेरिया क्या है, लो लेवल ऑफ प्रायर डॉक्यूमेंटेशन, यानी ग्रामर लिटरेचर या कुछ टेक्स्ट ऑडियो ये सब की कमी होना उस लैंग्वेज का, तो उसको बोलेंगे उस एरिया को बोलेंगे लैंग्वेज हॉटस्पॉट। ठीक है, तो यदि लैंग्वेज हॉटस्पॉट की बात करें तो या उसको सेम बोल सकते हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अभी आपको 5 जगह इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। पहला है नदर्न ऑस्ट्रेलिया। नदर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन की कमी है और बोलने वाले जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम बचे हैं, इंडेंजर्ड है, यानी 3 क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो जाती है नदर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। फिर देखो कि ईस्टर्न जो साइबेरिया के रीजन है यहाँ पर लैंग्वेज हॉटस्पॉट या इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट बन रहा है। फिर देखो कि यहाँ पे अमेरिका में जो ब्राज़ील और इधर का रीजन है वहाँ पे एक लैंग्वेज हॉटस्पॉट बन रहा है। अमेरिका में 2 जगह पे हैं, एक कनाडा के आसपास, यहाँ पे देखो कि पैसिफिक जो प्लेट्यू है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक प्लेट्यू है, वहाँ पे एक लैंग्वेज हॉटस्पॉट बन रहा है। फिर यहाँ पे जो ओकलाहोमा एक अमेरिका के जो सदर्न पार्ट में आप देखोगे वहाँ पे लैंग्वेज हॉटस्पॉट बन रहा है। तो 5 यहाँ पे आप देखोगे लैंग्वेज हॉटस्पॉट मेजर, यहाँ पे मेजर की बात हो रही है, मेजर लैंग्वेज हॉटस्पॉट वर्ल्ड में बन रहे हैं जो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो एंडरसन और डेविड हैरिसन द्वारा दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लैंग्वेज हॉटस्पॉट और क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है कि
हमें लैंग्वेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। लैंग्वेज यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहे हैं, यहाँ पे विलुप्तिकरण हो रहे हैं, तो लैंग्वेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। अभी आप देखो दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में 7000 से ज़्यादा लैंग्वेज हैं, लेकिन 3500 जो लैंग्वेज हैं वो विलुप्तिकरण की ओर हैं, ठीक है। ये यूनेस्को का डाटा है, और 40 इंडिया की लैंग्वेज जो है वो विलुप्तिकरण हो रही है, एक्सटेंशन उनका हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया में 40 यानी पूरे वर्ल्ड में 3500 से ज़्यादा लैंग्वेज विलुप्तिकरण हो रहे हैं, और यूनेस्को का डाटा और क्या बोलता है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक आप देखोगे तो 90% जो लैंग्वेज हैं पूरे वर्ल्ड का वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और उसके जगह पे मेजॉरिटी वाले जो लैंग्वेज हैं वो वहाँ पे उसके जगह ले लेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन हो रही है मेजॉरिटी वाले लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये सारे जो मेजॉरिटी वाले लैंग्वेज हैं उसका एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन जो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, जो माइनर बहुत कम पॉपुलेशन जो बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज का, उनका विलुप्तिकरण हो रहा है। यूनेस्को के हिसाब से देखेंगे 21वीं सदी के अंत तक 90% जो पूरे वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है वो विलुप्त हो जाएगी, और इंडिया में 40 तो विलुप्तिकरण की कगार पे हैं, और 3500 पूरे वर्ल्ड में विलुप्ति के कगार पे हैं। देखो, लैंग्वेज यदि विलुप्त हो जाती है, लैंग्वेज यदि चली जाती है, लैंग्वेज यदि डाई करती है, तो वे ऑफ जो लाइफ है वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो वे उस तरीके से जीते हैं, वो भी डाई कर जाएंगे, ठीक है। और थिंकिंग भी डिसअपीयर हो जाएगी। मान लो कोई पर्सन एक लैंग्वेज बोलता है, दूसरी लैंग्वेज नहीं जानता है, तो उनके अंदर जो रहने का तरीका है वो लैंग्वेज से डिराइव होता है, उनके जो सोचने का तरीका है वो भी लैंग्वेज से डिराइव होता है। तो जो रहने का तरीका, सोचने का तरीका, उनकी जो कल्चर है, कस्टम है, वो भी डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि उस लैंग्वेज से जो नेक्स्ट जनरेशन जो में उस इंफॉर्मेशन को पास नहीं कर पाएगा। तो आप देखोगे कल्चरल जो बायोस्फीयर है, वो कल्चरल जो बायोस्फीयर है उसका डैमेज होता है या उसका लॉस हो जाता है लैंग्वेज यदि डाई करती है, क्योंकि कल्चर का मेन आप बोलते तो हार्ट क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज यदि चली जाएगी तो उसका कल्चर भी चले जाता है। देखो, कनाडा की एक फेमस जो पर्सन थे उन्होंने बोला था कि इंडिया में क्या होती है, इलिटरेट जो वर्कर होते हैं वो 5 से 7 लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन लिटरेट जो पर्सन होता है ये वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल पाता है। तो ये है इंडिया की दुर्गति, ठीक है। तो लैंग्वेज जाने के साथ आप देखोगे कि बहुत सारे नॉलेज भी चले जाते हैं, यानी इमेंस नॉलेज गैप देखने को मिलता है। देखो, इंडिजीनियस जो पीपल होते हैं जिसका लैंग्वेज एक यूनिक होता है, वो लोकल वहाँ की जो नॉलेज है उसको उस लैंग्वेज से वो संभाल कर रखता है, और वो ऐसा नॉलेज रखता है जो साइंटिस्ट को भी नहीं पता होता, यानी विज्ञान को भी, साइंस को भी नहीं पता होता, इतना नॉलेज उस लैंग्वेज में छिपा होता है। और यदि लैंग्वेज चली गई तो लैंग्वेज के साथ साथ जो वहाँ लोकल जो नॉलेज हैं, जो ट्राइबल पीपल या जो रखे हुए थे, उसके साथ वो चली जाती है। तो पहली बात तो लैंग्वेज जाने से कल्चरल भी चली जाती, कल्चर भी चली जाती है, और लैंग्वेज जाने से जो वे ऑफ लाइफ है वहाँ की, पीपल की थिंकिंग है, और वहाँ की जो नॉलेज है वो भी चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लैंग्वेज को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो लैंग्वेज का कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है अभी हम लोग देख लिए। फिर देखेंगे रीजन्स क्या क्या है दोस्तों लैंग्वेज का एक्सटेंशन होने का। तो रीजन आप देखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी की लैंग्वेज है, डोमिनेंट लैंग्वेज है, उसको उसका स्प्रेड होना, और माइनॉरिटी जो लैंग्वेज है उसका रिट्रीट होना, पीछे हटना, एक मेजर एक्सटेंशन का रीजन है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में अभी फिलहाल 40 लैंग्वेज जो है, 1000 से भी कम पॉपुलेशन उसको बोलती है। तो देखो, 1000 से कम पॉपुलेशन वहाँ पे बोलती है, और उनके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगे हैं या हिंदी मीडियम पढ़ने लगे हैं। तो अब जो उनकी पुरानी जो लैंग्वेज थे उस पर ज़्यादा यूज नहीं है, ज़्यादा यूज नहीं है, तो इंग्लिश या हिंदी वो सीख गए, तो उनके बच्चे फिर क्या करेंगे, जो उनकी लैंग्वेज थी ट्राइबल की जो लैंग्वेज थी, मान लो जो एक्सटेंशन होने वाले हैं वो नहीं सीखेंगे। तो ओल्ड जो पर्सन है सिर्फ वही लैंग्वेज वहाँ पे जानेगा, और फिर न्यू जनरेशन वाले दूसरे लैंग्वेज जानेंगे। तो डोमिनेंट लैंग्वेज जो है उनके शिफ्ट होने से, उसके स्प्रेड होने से जो उनका एक्सटेंशन का मेन रीज़न है। और स्कूलों में तो जो मेजॉरिटी की लैंग्वेज, मेजॉरिटी टंग वाली लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, यही सब पढ़ाई जाती है। जो ट्राइबल की लैंग्वेज है, जो पुरानी लैंग्वेज है, उनको तो वहाँ पढ़ाई नहीं जाती है, ये भी एक रीज़न है। फिर देखोगे इंडिया में बहुत सारे जो ट्राइबल सोसाइटी है वो ओरल सोसाइटी है, उनका कोई रिटेन लिटरेचर या रिटेन में कोई नॉलेज नहीं है। तो यदि ओरल सोसाइटी है, यदि लैंग्वेज चली गई, तो जो उनका जो नॉलेज था, कस्टम था, जो रीति रिवाज थे, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास तो रिटेन भी नहीं है,
ठीक है, रिटेन में कुछ रिकॉर्ड है नहीं, तो पास नहीं होंगे। जैसे ही पास नहीं होंगे तो न्यू जनरेशन वाले यदि उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो क्या होंगे, वो विलुप्त हो जाएगी। तो भी एक रीजन्स है लैंग्वेज का एक्सटेंशन होने का। फिर देखो दोस्तों, क्या मेथड हम अपना सकते हैं कंजर्व करने के लिए लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो इंडेंजर्ड जो लैंग्वेज हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प की सहायता से उसको रिकॉर्ड किया जाए कि कौन कौन सी इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, उनकी सारे डिटेल्स रिकॉर्ड किए जाए। फिर देखो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस इंडेंजर्ड लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, आर्ट को, कल्चर को, उस लैंग्वेज में म्यूजिक को। यदि उस लैंग्वेज में म्यूजिक बनाई जाती है जो इंडेंजर्ड होने वाली, लिटरेचर उसमें लिखे जाते हैं, उसको प्रोत्साहित करें, गवर्नमेंट उसको इनाम दे या समथिंग कुछ वहाँ पर रिवार्ड दिया जाए, तो उस लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सकता है। और देखो बहुत सारे जो लिटरेचर हैं, जो भी लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट करना चाहिए इंडेंजर्ड वाले लैंग्वेज में, रीजनल वाले लैंग्वेज में। यदि मान लो कोई भी, जैसे मुंडा इंडिया की लैंग्वेज इंडेंजर्ड होने वाली है, तो सारे जो लिटरेचर हैं, इंग्लिश की लिटरेचर हो, हिंदी की लिटरेचर या तमिल का, तेलुगु का, सारे जो अच्छे अच्छे लिटरेचर हैं उसको मुंडा लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर जाएँ, तो क्या होंगे मुंडा लैंग्वेज वाले जो पीपल हैं वो भी उसको रीड करेंगे उसी लैंग्वेज में, तो उसका भी अब विकास होगा उस लैंग्वेज का। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंडेंजर्ड लैंग्वेज को रिकॉर्ड करें। फिर देखो एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं जो उस लैंग्वेज में लिटरेचर, आर्ट, कल्चर या म्यूजिक उसमें कोडिंग करता है। फिर इसके अलावा दे सकते हैं कि सभी जो लिटरेचर जो बुक हैं उसको ट्रांसलेट किया जाए रीजनल लैंग्वेज में या इंडेंजर्ड लैंग्वेज में। इस तरह से हेल्प करके हम लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट को देखें। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2019 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उसको भी एक बार रीड करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 2019 में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ए लैंग्वेज ओरिजिनेटेड एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड डिफ्यूज टू अदर लोकेशन थ्रू द माइग्रेशन ऑफ इट्स स्पीकर। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज हॉट स्पॉट एंड इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉट स्पॉट। भाषा एक विशेष स्थान पर उत्पन्न होती है और इसके बोलने वाले के प्रवासों के माध्यम से अन्य स्थानों में फैलती है। भाषा हॉट स्पॉटों और संकटापत्र भाषा हॉट स्पॉटों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक स्टेटमेंट दिया है कि भाषा एक विशेष स्थान पर उत्पन्न होती है और इसके बोलने वाले के प्रवासों के माध्यम से अन्य स्थानों पर फैलती है। इसको एग्जामिन करना है, इसका परीक्षण करना है, और संदर्भ क्या है कि लैंग्वेज जो हॉटस्पॉट है, इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट है, इसके संदर्भ में इसका परीक्षण करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, भाषा एक स्थान पर उत्पन्न होती है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारे लैंग्वेज जो डिराइव हुए हैं, यूरोपियन के सारे लैंग्वेज और नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका के लैंग्वेज जो डिराइव हुए हैं वो लैटिन लैंग्वेज हुए हैं। लेकिन लैटिन लैंग्वेज का ओरिजिन आप देखोगे तो इटली के एक स्मॉल जो ट्राइबल ग्रुप है, इटैलिक जो ट्राइबल ग्रुप है, वहाँ पे एक ओरिजिन हुआ था, यानी बहुत ही स्मॉल एरिया में ओरिजिन हुआ था। और वहाँ से आप देखोगे माइग्रेशन से या गवर्नमेंट की पॉलिसी से, जो वहाँ पे जो रोमान के साम्राज्य थे उनके पॉलिसी से जो इटैलिक लैंग्वेज थे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, तो डिफ्यूजन हुआ इटैलिक लैंग्वेज का। तो क्या है, भाषा एक पर्टिकुलर स्थान पे ही ओरिजिन होती है, लेकिन उनका डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होने के लिए माइग्रेशन एक वे है, ओनली माइग्रेशन से नहीं होती है, माइग्रेशन एक वे है, और वहाँ के गवर्नमेंट या वहाँ के जो किंग है कैसे पॉलिसी अपनाते हैं वो भी एक तरीका है, और लैंग्वेज शिफ्ट भी एक तरीका है, लेकिन माइग्रेशन से क्या होती है, लैंग्वेज का डिफ्यूजन होता है। दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हिंदी क्या है, इंडिया में ओरिजिन हुआ है, लेकिन हिंदी का आप देखो डिफ्यूजन तो फिजी कंट्री, मालदीव कंट्री, सिंगापुर या अदर जो साउथ अफ्रीका है वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडियन माइग्रेट किए वहाँ पे, तो हिंदी वहाँ पे भी डिफ्यूजन हो गया। तो पहले स्टेटमेंट को आप एग्जामिन इस तथ्य से आप कर सकते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट में यहाँ पूछा है दोस्तों कि हॉट स्पॉट और इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट के कंटेक्स्ट में इसको एग्जामिन करना है। तो इंडेंजर्ड और लैंग्वेज हॉटस्पॉट का हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे, तीन क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि उस एरिया में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरी बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया वहाँ पर था कि लैंग्वेज इंडेंजर्ड होनी चाहिए बहुत सारे लैंग्वेज। तीसरी क्राइटेरिया था कि
जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत लो लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन ना हो, जैसे ग्रामर उसका डिराइव ना हो उस लैंग्वेज का, या बहुत सारे लैंग्वेज का ग्रामर डिराइव ना हो, टेक्स्ट ना हो, लिटरेचर ना हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हो तो उस एरिया को बोलते हैं लैंग्वेज हॉट स्पॉट। तो देखो यहाँ पे इस लैंग्वेज हॉट स्पॉट को कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमेंट आपका एक मान लो होमवर्क ही जैसा है कि जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं लैंग्वेज हॉट स्पॉट के कॉन्टेक्स्ट में, इसको जो डिफ्यूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको रिलेट करके कमेंट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो हम लोग देखे हैं उसकी हेल्प की सहायता से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।